नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पासपोर्ट फोटो को हम लोग कैसे बना सकते हैं। सभी को पासपोर्ट फोटो की जरूरत होती है और कई स्टूडियोज की रोजी रोटी ही इस पर चलती है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि कैसे 4x6 पेपर पर 8 आई कार्ड फोटो को प्रिंट करें या 8x12 पेपर पर कैसे 32 आई कार्ड फोटो को अरेंज कर प्रिंट करने के लिए भेजें। मैंने कई स्टूडियोज में देखा है कि वे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं और उसे कॉपी कर कई बार 4x6 या 8x12 साइज के पेपर पर पेस्ट करते हैं, फिर उसे ठीक से अरेंज कर प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत समय लेता है, इसलिए मैं एक दूसरा तरीका यहाँ आपको बतलाने जा रहा हूँ जिसमें कम समय लगती है। साथ ही साथ आप यह भी सीख जाएंगे कि पैटर्न्स और बॉर्डर को कैसे बनाया जाता है और कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक तस्वीर लें जिसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको बनानी है, लेकिन हर तस्वीर को आप इसके लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। इसे खींचते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि यह फोटो सामने से लिया जाना चाहिए, इसमें पूरा चेहरा आना चाहिए, आंखें खुली हों और चेहरे के भाव नेचुरल हों, तस्वीर में पूरा सर आना चाहिए और तस्वीर बालों के थोड़े ऊपर से लेकर कंधों तक की ली जानी चाहिए, सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट होना चाहिए, ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड भी चल सकता है, फेस पर या बैकग्राउंड पर शैडो नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट के आंखों पर पावर या सनग्लासेस नहीं होने चाहिए, सर टोपी या अन्य किसी चीज से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसके दाग धब्बों को हटाना नहीं चाहिए। अब तस्वीर को फोटोशॉप में खोलें। इसके लिए फाइल मेनू में ओपन बटन को दबाएं और फाइल लोकेशन को सेलेक्ट कर फोटो को खोल लें। टूल बार में क्रॉप टूल पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करें। टूल ऑप्शन बार में क्रॉप साइज प्रीसेट को क्लिक करके लिस्ट को खोलें और W×H×रेजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लें। पासपोर्ट फोटो 2x2x का होना चाहिए और आई कार्ड 1.5x2x का होना चाहिए। मान लें कि हमें आई कार्ड के लिए तस्वीर बनानी हो तो हम 1.5 इंच विड्थ में टाइप करेंगे और 2 इंच हाइट में टाइप करेंगे और रेजोल्यूशन में 250 पिक्सल पर इंच सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं यहां आपको करके दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट फोटो बनाना हो तो आप 2 इंच विड्थ में और 2 इंच हाइट में टाइप करेंगे। अब क्रॉप टूल को क्लिक करके ड्रैग करें और बालों के ऊपर से कंधों तक के एरिया को सेलेक्ट कर लें। एक बार क्रॉप्ड एरिया चुनने के बाद क्लिक करके क्रॉप्ड एरिया को फिर से आप रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंटर बटन को दबा दें। बस आपका पासपोर्ट फोटो तैयार हो गया है। अब इस पासपोर्ट के चारों तरफ हम एक बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए पहले Ctrl+A बटन को दबाकर पासपोर्ट फोटो को सेलेक्ट कर लें। अब एडिट मेन्यू को खोलकर स्ट्रोक पर क्लिक करें। स्ट्रोक पैनल में विड्थ में 10 पिक्सल टाइप करें और कलर पर क्लिक करें। इससे कलर पैनल खुल जाएगा। यहाँ व्हाइट कलर को सेलेक्ट करें और ओके को क्लिक कर दें। लोकेशन में इनसाइड को क्लिक कर दें और ओके बटन दबाकर स्ट्रोक पैनल को बंद कर दें। जैसे ही आप स्ट्रोक पैनल को बंद करेंगे आप देखेंगे कि तस्वीर के चारों तरफ एक व्हाइट बॉर्डर बन गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद एडिट मेन्यू को खोलें और डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करें। अब पैटर्न विंडो में पैटर्न का कोई नाम टाइप कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। अब एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं। इसके लिए फाइल मेनू को खोलें और न्यू पर क्लिक करें और यहाँ विड्थ में 6 इंच और हाइट में 4 इंच टाइप करें और रिजोल्यूशन में 250 टाइप कर दें।
अब क्रिएट बटन को दबा दें, स्क्रीन पर 6x4 की एक खाली डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अब एडिट मेन्यू को खोलें और फिल पर क्लिक करें। फिल पैनल में कंटेंट पर क्लिक करें, एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, इसमें पैटर्न चुन लें। कस्टम पैटर्न पर क्लिक करके उसे खोलें। यहां आपको सबसे अंत में आपका पैटर्न यानी आई कार्ड दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि अब खाली डॉक्यूमेंट बहुत से आई कार्ड से भर गई है और वे सही तरह से अरेंज्ड भी हैं। अब आप इस फाइल का प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप 12x8 साइज के पेपर पर आई कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसी साइज का एक खाली डॉक्यूमेंट बनाएं, जैसा कि आपने पहले बनाया था। फाइल मेन्यू को खोलें और उसमें 12x8 साइज और रेजोल्यूशन 250 सेलेक्ट करके क्रिएट बटन को दबा दें, नई फाइल बन जाएगी। अब पहले की तरह इसमें पैटर्न फिल कर दें। लीजिए, आपका 12x8 साइज का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, जिसमें कि आई कार्ड्स के फोटो अरेंज्ड हैं। अब डायरेक्टली इसे आप प्रिंट करने के लिए भेज सकते हैं। इसी तरह पासपोर्ट फोटो प्रिंट करने के लिए आपको केवल 2x2 इंच की पैटर्न बनानी पड़ेगी। उसके बाद वही काम करना पड़ेगा जैसे कि आपने आई कार्ड के लिए किया है। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब बटन भी दबा दें, ताकि आपको अगले ट्यूटोरियल्स की जानकारी मिलती रहे। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।